का स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आयोजित वेबिनार में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक नीति और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के संबंध में लॉकडाउन के दौरान उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की। वेबिनार में छत्तीसगढ़ में उद्योगों की संभावनाओं, रोजगार के अवसर से ज्यादा अवसर पैदा करने और औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के संबंध में विचार विमर्श किए गए। उद्योग संगठन तो हमारे अपील में ये किया कि हमारे मजदूर को उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आपके मजदूर हैं, एक महीने राशन भी दीजिए और रहने खाने की व्यवस्था भी करिए, उसको वेतन भी दीजिए, और हमारे उद्योगपति ने उसे स्वीकार किया और यही कारण है कि हमारे यहाँ के मजदूर वापस नहीं गए। हमने मनरेगा बंद नहीं किया था, कभी किसी समय कहा जाता था कि ये कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है और वही मनरेगा है, वो 26 लाख मजदूरों को काम दिए, लगभग हम लोग 1100 करोड़ रुपए के उसमें भुगतान किए हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अल्प प्रवास पर राज